सबसे बड़ी जनप्रतिनिधि संस्था है, उसे कार्यपालिका को नियंत्रित रखना है, उसे जनसाधारण की आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करना है। इस दृष्टि से संसद सक्षम होनी चाहिए, वाद विवाद का मंच होना चाहिए, संसद में उत्तरदायित्वपूर्ण भाषण होने चाहिए। संसद एक मंच है जो देश की जनता को और उसकी राय को प्रभावित करता है, लेकिन संसद में शोर शराबा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। संसद की गरिमा, उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। सरकार का विरोध करना, ये उसकी भूमिका है, लेकिन विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, विरोध रचनात्मक होना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर उसका तीखा तेवर भी होना चाहिए। सरकार को गलत रास्ते पर चलने से रोकना, ये उसका कर्तव्य है, लेकिन सरकार अगर ठीक काम करे तो सरकार को सहयोग देना भी उसका दायित्व है। सदस्य जनता के प्रति निष्ठावान रहें, लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें, अपने दायित्व का गंभीरता से पालन करें और राजनीति को धंधा या व्यवसाय न समझकर इसे एक मिशन समझें, इसे एक पवित्र कार्य समझें, इस बात की बड़ी आवश्यकता है। जब देश पर इमरजेंसी लाद दी गई, देश को एक बड़ा जेल खाना बना दिया गया, हम लोग कारागार में बंद कर दिए गए, उस समय संसद ने अपने दायित्व का पालन नहीं किया, संसद में प्रतिरोध नहीं हुआ, विरोध का स्वर नहीं उठा, मानो सारी संसद मूक दर्शक बनकर रह गई। ये लोकतंत्र पर कुठाराघात था, इससे हम लोगों को बहुत चोट लगी। जहां तक प्रसन्नता का सवाल है, तो जिस दिन भारत की फौजों ने युद्ध के मैदान में पाकिस्तान को परास्त कर दिया, स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ और उसके बाद संसद की बैठक हुई, इसमें हमने अपनी वीर सेनाओं का अभिनंदन किया और स्वतंत्र बांग्लादेश का स्वागत किया, वह क्षण एक ऐतिहासिक क्षण था, प्रेरणादायक घड़ी थी।